हाय एवरीवन, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की इस वीडियो सीरीज में मैं प्रिंस आप लोगों का वेलकम करता हूँ। आज हम लोग काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम की ओर बात करेंगे जिसका नाम है अटेंडेंस। मतलब बेसिकली मैं इसमें आपको फॉर लूप के स्टार्टिंग और जो लास्ट एज होता है ना उस पर आपको काम करने के लिए सिखाऊंगा कि आपको कैसे इस पर वर्क करना है। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ जिसका नाम है अटेंडेंस, जो कि कोडसेप्स है। इस बार क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? मैं इसे सही से लेता हूँ। वीडियो को पॉज कीजिए एंड प्लीज़ क्वेश्चन को बहुत पढ़िए। आई होप गाइज कि आप लोगों ने क्वेश्चंस को पढ़ा होगा एंड क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। बिकॉज अब मैं ये नहीं कहूँगा कि क्वेश्चन आधा समझ में आया होगा, बिकॉज आप लोगों ने काफ़ी प्रॉब्लम तबीयत से कर रखी है। 40 जो मैंने करवाए हैं अभी तक, 40 जो मैंने होमवर्क दिए हैं, ठीक है? 40 नहीं, आई थिंक 10-15-20 इतने होमवर्क दिए हैं। मतलब थोड़ा कम्फर्टेबिलिटी फील हो रही होगी कि हाँ, मेरे से क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है, मैं स्कोर सोच पा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए अब मैं इसे क्वेश्चन समझाता हूँ पहले कि क्वेश्चन करें कैसे। तो कहा गया यप ना। अब इस बार क्या हो रहा है कि इस बार तो कोई अटेंडेंस सिस्टम है, जो कि कौन कर रहा है? सेफ। ठीक है, सेफ अटेंडेंस ले रहा है। तो अटेंडेंस किसका लिया जाता है? उनको स्टूडेंट्स का। तो उनके पास स्टूडेंट्स दिए हुए हैं जो कि एन नंबर और फोर है, चार स्टूडेंट्स हैं। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन हमारे पास ये है कि जो फर्स्ट नेम अगर सेम होगा तो सेफ जो है पूरा नाम बोलेगा। हमारे पास दो पार्ट है नाम में, एक फर्स्ट नेम एक लास्ट नेम, हमेशा होता है। जैसे मैं प्रिंस अग्रवाल, इट्स माई फर्स्ट नेम एंड अग्रवाल इज माई सेकेंड नेम, सॉरी लास्ट नेम। तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट नेम अगर सेम है किसी का तो सेफ जो है पूरा तरह से नाम बोलेगा। अगर फर्स्ट नेम अलग है, किसी से मैच नहीं कर रहा, तो वो सिर्फ फर्स्ट नेम बोल देगा। ठीक है ना। अब इट मीन्स कि पहले, अब हम लोग को देखिए सोचने का तरीका क्या है इसमें। इट मीन्स कि पहले हम लोगों को सारे नाम को इवेल्युएट करना पड़ेगा कि किसमें सेम मिल रहा है और किसमें नहीं मिल रहा है। तो पहले हसन पकड़ते हैं हम लोग। हसन जादू उह वट एवर वट इट्स प्रोनाउंसिएशन, मतलब कि ऐसे देखिए जो फर्स्ट और लास्ट नेम है दोनों में हसन हसन मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, तो इट मीन्स कि इस ये दोनों का नाम सेफ को पूरी तरह से बोलना पड़ेगा। एग्जैक्टली और दो फारहोद है और जो करीम है, वो दोनों का जो नाम है वो सिंगल है, वो किसी से मैच नहीं कर रहा है। फर्स्ट नेम यूनिक है उन लोगों का, तो सेफ जो है वो सिर्फ उनका फर्स्ट नेम ही लेगा और वो फर्स्ट और लास्ट का पूरा नाम बोलेगा। तो आउटपुट हमारे पास ये निकल के आया। अब बेसिकली अब इसको सोचे कैसे, अप्रोच कैसे करे, मतलब देखने में इजी लग रहा होगा। सर क्या करते हैं, फर्स्ट नेम जो है सबका फर्स्ट नेम मैच कर लेते हैं, जिसका जिससे हम मिलेगा उसको हम लोग पूरा नाम प्रिंट कर देंगे। नहीं मिलेगा तो हम लोग उसका सिर्फ फर्स्ट नेम प्रिंट करेंगे। अब इसको आप लोग लिखिएगा कैसे, एक कोड में एक जनरल आप इसको मैप कैसे कीजिएगा। ये तो हुआ सोच लिया, अब आप लोग सोच पा रहे हैं, बट कोड में मैप कैसे करना मैं बताता हूँ। नाउ एन बराबर फोर, चार नाम दिया हुआ है। अब चार नाम को हम लोग क्या करते हैं, एक एरे में से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एरे में हम लोग चार नाम डाल नहीं रहे, बस करते हैं हम एरे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब पहला जो एरे है, सॉरी जो पहला इंडेक्स है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट नेम को। ठीक है, अब नेम में दो पार्ट है, पहला फर्स्ट नेम दूसरा लास्ट नेम। नाउ हम लोग को जो कंपेयर करना है वो फर्स्ट नेम के साथ करना है। वी कंपेयर फ्रॉम फर्स्ट नेम, हम लोग को हर इंडेक्स के जो नेम है उसका जो फर्स्ट नेम है उसको कंपेयर कर करके हम लोग चेक करेंगे कि भैया कौन नाम सेम मिल रहा है। अगर पहला नाम जो फर्स्ट नेम है किसी भी सेफ का या किसी भी व्यक्ति का, तो हम लोग उसका पूरा नाम कॉल करेंगे। यहाँ तक क्लियर? नाउ व्हाट कि अब जैसे कि मैं बात करूँ कि देखिए हसन, अब मैं हसन को पकड़ता हूँ, हसन को मैं पहले इंडेक्स से मिलाऊंगा तो वहाँ फारूद मिल रहा है, नहीं मैच किया। दूसरे इंडेक्स से मिलाया तो करीम मिल रहा है, नहीं मैच किया। तीसरे इंडेक्स से मिलाया हसन, मैच कर गया, हसन हसन मैच कर गया। इट मीन्स कि जीरो इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स का फर्स्ट नेम मैच कर गया, तो दोनों में हम प्लस वन कर देंगे। एग्जैक्टली हम लोग फारूद पकड़ेंगे, फारूद को करीम के साथ मैच करेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग, बिकॉज फारूद और हसन मैच कर चुके हैं। हसन में हम लोग जब चल रहे थे तो हसन और फारूद मैच हो चुका था। अब देखिए हसन और फारूद मैच करना और फारूद और हसन मैच करना, दोनों बात बराबर है ना, तो हम लोग ऊपर से नीचे तक मैच कर लिए। हम लोग फारूद और करीम को मैच करेंगे, मिला क्या? नहीं। फारूद और हसन को मैच करेंगे, मिला क्या? नहीं। खत्म, तो कुछ नहीं। करीम और हसन को मैच करेंगे, मिला क्या? नहीं। अब हसन जो सबसे लास्ट वाला हसन खातीब है, उसको तो आगे किसी से मैच नहीं कर सकते। तो यस, अब हम लोग चेक कर लेंगे जिस इंडेक्स का वैल्यू अगर नॉन जीरो है, इट मीन्स कि उसका कहीं ना कहीं कॉपी प्रेजेंट है फर्स्ट नेम के साथ, किसी दूसरे नेम के
साथ उसका फर्स्ट नेम मैच कर रहा है, अगर वैल्यू अगर नॉन जीरो है तब, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पूरा नाम प्रिंट करा देंगे। अगर किसी का वैल्यू जीरो मिल रहा है, इट मीन्स कि वो किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, उसका सिर्फ हम लोग फर्स्ट नेम प्रिंट कराएंगे। अब इसका कोड आप लोग मुझे बताइएगा, मैं चला कोड करना। फिर इसमें कोड सेफ नाउ हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम नाउ यूजिंग सॉरी नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। आप लोग पहले टेस्ट केस मिल रहा है, यहाँ तक क्लियर। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इंट एन, अब हम लोग एन मिल रहा है क्योंकि कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनके पास। अब हम लोग एक इंट मानते हैं। अब देखिए इनपुट लेने का तरीका है सबसे अच्छा है, मतलब कि एक सोचने वाला चीज़, ऐसा अभी तक शायद हम लोगों ने किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो पहला इनपुट है चार है, तो चार बार इनपुट मिलेगा, पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार, और हर इनपुट में दो स्ट्रिंग मिल रहा है। पहला स्ट्रिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट नेम, और दूसरा स्ट्रिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट नेम। तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप एक ही स्ट्रिंग में से पूरा इनपुट ले लीजिएगा, इनपुट गलत मिलेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे फिर गलती कर दिया मैंने, ओके, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं ना कि आप लोगों ने क्या किया, स्ट्रिंग मान लिया स्ट्रिंग नेम, और नेम में क्या किया पूरा एक साथ नाम ले लिया, नहीं। इनपुट देखिए कि वो इनपुट दे कैसे रहा है, वो इनपुट दे रहा है आपको हर टेस्ट केस के करस्पॉन्डिंग, मतलब कि हर नंबर के करस्पॉन्डिंग आपको दो इनपुट मिल रहा है। और पहला इनपुट, दोनों इनपुट कैसा है, स्ट्रिंग, जिसमें कि पहला इनपुट क्या है, फर्स्ट नेम, और दूसरा इनपुट क्या है, लास्ट नेम। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग फर्स्ट, जिसमें कि एन साइज रखेंगे, और स्ट्रिंग लास्ट, जिसमें लास्ट नेम रहेगा। अब देखिए पहला इंडेक्स जीरो इंडेक्स और जीरो इंडेक्स, इसका भी जीरो इंडेक्स होगा, इसका भी जीरो इंडेक्स होगा। इसका जीरो इंडेक्स का जो फर्स्ट नेम होगा वो क्या होगा, हसन, और इसका जीरो इंडेक्स लास्ट नेम होगा वो क्या होगा, जादू। तो हसन जादू मिल गया हम लोग को। नाउ सॉरी प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो रहा हो तो मुझे सच में नहीं पता चल रहा है। नाउ फॉर इंट आई बराबर जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, अब इनपुट कैसे लेंगे बोलिए आप लोग, सी इन फर्स्ट नेम एंड सी इन लास्ट नेम, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए एन नहीं आएगा, आई आएगा, ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है जो कि मैं तभी से आधे घंटे से मिस्टेक कर रहा था और मेरा एरर आ रहा था, ठीक है। सी इन फर्स्ट नेम, देन यहाँ पर फिर गलती कर दिया, यप, और सी इन लास्ट नेम, मतलब कि हम लोग को फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मिल चुका है, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, एक इंट मानते हैं, सॉरी अब हम लोग का फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिल गया, हम लोग इसे कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। तो फॉर इंट, अब हम लोग एक पहले एरे मानते हैं, ये वाला एरे, कौन सा एरे, ये वाला एरे। इस एरे में हम लोग क्या करेंगे, सबको पहले जीरो स्टोर कर देते हैं, और इसमें चेक करेंगे कि कौन सा नाम रिपीट हो रहा है फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग कंपेयर करने के बाद। तो ए ऑफ एन मानते हैं और फॉर लूप लगाते हैं, इंट आई बराबर जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, अब मैं यहीं पे लिख दूंगा ए ऑफ आई बराबर जीरो। जरूरी नहीं कि आप फोर को इसके नीचे ही लिखेंगे, मतलब कि कंडीशन को आप बगल में भी लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। नाउ हम लोग क्या किए, इनिशियलाइज कर दिए एरे ए को टू जीरो, जीरो से हम लोग सबको इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है। हम लोग फॉर लूप लगाते हैं, इंट आई बराबर जीरो आई लेस देन एन माइनस वन। अब बताता हूँ कि सर एन माइनस वन क्यों लिया आपने, एन क्यों नहीं लिया, यही होता है एच केस। हम लोग फॉर लूप तो चला लेते हैं बट स्टार्टिंग और एच केस हम लोग को हमेशा समझना पड़ता है कि कहाँ पे इंट करें और कहाँ से स्टार्ट करें। अब मैं से यहाँ पे करता हूँ फॉर इंट जे बराबर आई, नहीं आई प्लस वन, जे लेस देन एन एंड जे प्लस प्लस। अगर ये कंडीशन, तो हम लोग क्या करते हैं, इफ ए ऑफ सॉरी फर्स्ट नेम अगर आई का फर्स्ट नेम अगर जे के साथ मैच करता है तो हम लोग क्या करेंगे, ए ऑफ आई को प्लस प्लस करेंगे एंड ए ऑफ जे को प्लस प्लस करेंगे। सर ये कैसे कैसे आपने स्पीड में कर दिया मुझे नहीं पता चला, इसके लिए ये देखिए
मतलब मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों कि आप लोग प्लीज कॉपी पे ड्राई रन करना सीखिए। चार नाम था, 0, 1, 2, 3, हर नेम को मैंने एक इंडेक्स रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो पहला इंडेक्स है जिस पे क्या लिखा हुआ है, हसन जदहू, ठीक है, इस इंडेक्स का जो फर्स्ट नेम है उसको हमको फर्स्ट इंडेक्स का जो नेम है उसके फर्स्ट नेम से कंपेयर करना है। फिर जो सेकेंड इंडेक्स का जो नेम है उसके फर्स्ट नेम से कंपेयर करना है। थर्ड इंडेक्स का जो नेम है उसके फर्स्ट नेम से कंपेयर करना है। तो देखिए, 0 के नीचे एरो लिखा है, 1, 2, 3, फिर 1 को 2 और 3 के साथ कंपेयर करेंगे फर्स्ट नेम। फिर जो सेकेंड इंडेक्स का जो फर्स्ट नेम होगा उसको थर्ड इंडेक्स वाले फर्स्ट नेम से कंपेयर करेंगे। और थर्ड के आगे कोई डिजिट नहीं है, सॉरी कोई नेम नहीं है, इसलिए हम लोग उसके आगे कंपेयर नहीं करेंगे। इसलिए देखिए, मैंने यहाँ पे आई लेस देन एन माइनस वन तक लूप चलाया। एन का वैल्यू क्या था, 4, एन माइनस वन क्या हुआ, 3, बट लेस देन 3 है, इट मीन्स कि लूप कहाँ तक चलेगा, 2 तक चलेगा, ठीक है। 3 के आगे कुछ नहीं था क्योंकि, यहाँ तक क्लियर। अब जे बराबर आई प्लस वन क्यों लिया सर, आई क्यों नहीं लिया, बिकॉज 0 के साथ किसको कंपेयर करना है, 0 के साथ 0 को कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली वो ट्रू बताएगा, बट 0 के साथ हम लोग को 1 को कंपेयर करना है ना सर। 0 के साथ इसका पहला नाम इसी के पहले नाम से कंपेयर थोड़ा ना करेंगे, इसका जो पहला नाम होगा उसको इसके पहले नाम से कंपेयर करेंगे, देन इसके पहले नाम से कंपेयर करेंगे, देन इसके पहले नाम से कंपेयर करेंगे। इसने मैंने लेस देन एन लिखा और यहाँ पे कर दिया पहला नाम, यहाँ पे आई बराबर 0 का केस पकड़ के एफ ऑफ आई, देन फिर पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, ये एफ ऑफ जे हो गया। अगर सबका पहला नाम बराबर मैच कर रहा है तो मैंने बताया था कि इसके इंडेक्स वाले में भी प्लस वन कर देंगे और जहाँ मैच करेगा उसके इंडेक्स में भी प्लस वन कर देंगे। अब अल्टीमेटली जो किसी के साथ ही मैच नहीं करेगा वहाँ तो 0 ही रहेगा ना हमेशा, जहाँ 0 रहेगा वहाँ हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल फर्स्ट नेम प्रिंट करेंगे। ये होता तरीका, मैं बहुत भगवान नहीं हूँ, मुझे भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। और आप लोग को पता नहीं क्या हो गया सर, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना ही नहीं चाह रहे, नहीं हम नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि मुझे शर्म आती है सर, क्या कहेंगे कि मेरे से क्वेश्चन हो गया यार, कि मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप लोग कोड अगर ये सोच के कर रहे हैं ना कि मैं पहले कोर्स खत्म कर लूंगा और फिर मैं बैठ के सारा क्वेश्चंस करूंगा, तो यू आर रॉन्ग, यू आर लिटरली रॉन्ग। अगर आप कोड नहीं लिख रहे हो ना तो आपको ये लेक्चर देखना भी व्यर्थ है, मैं ये भी कह रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा वो नहीं है कि आप लोग मेरा लेक्चर खूब एकदम देखिए और एकदम खूब वाहवाही कीजिए, नहीं, आप लोग सीखिए, इट्स द मैटर। बिकॉज मेरा लेक्चर होना तभी व्यर्थ होगा ना, तभी सफल होगा ना, जब आप लोग सीखिएगा, जब मुझे सच में आप लोग बताइएगा कि सर मुझे इससे ये फायदा हुआ। आई एम स्पीचलेस यार, मतलब कोई मुझे नहीं बताता कि सर क्या चल रहा है नाउ। अब यही चीज मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया, मैच कर दिया। अब हम लोग ए पे कंडीशन चेक करते हैं, ए पे क्या चेक करते हैं, वी चेक द कंडीशन ऑन एरे ए, क्या चेक करेंगे, फॉर इंट आई बराबर 0 से आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, नाउ इफ ए ऑफ आई, सॉरी ए ऑफ आई अगर 0 आता है तो हम लोग क्या करेंगे, सी आउट सिर्फ फर्स्ट नेम प्रिंट कराएंगे, एग्जैक्टली एंड एल एल्स, अगर 0, अगर या फिर 0 होगा या फिर 0 नहीं होगा, अगर 0 नहीं होगा इट मीन्स कहीं ना कहीं उसका कहीं ना कहीं कॉपी बना है, कॉपी बना है इट मीन्स कि हम लोग को उसको पूरा नाम प्रिंट कराना पड़ेगा, लास्ट नेम, सॉरी लास्ट ऑफ इंडेक्स एंड हम लोग उसको कोड सबमिट करके देखते हैं, कॉपी नाउ पेस्ट प्लीज़, आप लोग मुझे कॉपरेट कीजिए थोड़ा कि सर बताइए, मतलब देखिए अगर आप बताइएगा ना तो बहुत अच्छा रिलेशन बना रहेगा आपके समझने और मुझे समझाने के बीच में। नौ फिर से बधाई हो, सारे क्वेश्चंस तो मैं करवा रहा हूँ आपसे अच्छे अच्छे कि आपको सच में समझ में आए कि एच कैस कैसे पकड़ते हैं। मैं इनफ खुद जो ट्राई करता हूँ मैं आपको वो भी बता रहा हूँ कि देखो मैं कैसे ट्राई करता हूँ, तो ये तभी आप सीख पाइएगा ना, मैं सच में सिखाने के पीछे लगा हुआ हूँ आप लोगों को। और आप लोग अगर कॉपरेट नहीं कर पाएगी तो मैं कैसे काम करूँ बताइए। एंड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था, ये आप लोग से हो सकता था, बट मैंने एच केस करने के लिए बताया कि देखिए एच केस कैसे पता करते हैं, लेस देन एन माइनस वन क्यों लिखा, आई प्लस वन क्यों लिखा। एक केस पकड़िए छोटा सा कोई और फिर उसको पकड़ के आप लोग कोड बनाइए, ये कोड बनाइए यूनिवर्सल, मतलब जनरल कोड बनाइए, आप लोग कोडिंग हमेशा सही होगा। इट्स द कहते हैं ना मैथड कि आप क्वेश्चन कैसे सही कीजिए। खैर वीडियो आई थिंक लंबा जा रहा है दोस्तों, तो
आई होप कि ये समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए यार, ताकि ये कम्युनिटी सच में बड़ी हो सके। एंड आप लोग प्लीज़ बताइए कि कैसा चल रहा है, क्या लग रहा है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।